सुन रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी तावान। छकोड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल के रखने लगा कि एक महिला दो स्वयंसेवकों के साथ उसकी दुकान को छेकने आ पहुंची। छकोड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखे तुम कैसे एक गिरा कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम बिलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए, औरतें तक घरों से निकल पड़ी है फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी यह अधोगति ना होती। छकोड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसके नीचे सिर कर लिया। उसके पास कोई सफाई ना थी, जवाब ना था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, ठेली पर कपड़े लगाकर बेचा करता था, यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज बिलायती कपड़ों पर मोहरे लगवाने लगे तो उसने भी मोहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल ना था इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो ₹8 आने बिक्री हो जाती थी। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को लौट आता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज ना बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टाला जा सके। उधर स्त्री का रोग असाध्य हो जाता था, बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूबा उतरा रहा था कि बिलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह रोक न सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मुहर तोड़ने को कभी ना कहूंगी, डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलाना देगा, तुम नक्कू क्यों बनो? बचना होगा बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी, बेआबरूई तो नहीं होंगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूँ और सबको दिख कर रही हूँ। देश को स्वराज्य मिले, सब सुखी हो, बला से मैं मर जाऊंगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी जान है? पर छकोड़ी इतना पक्का ना था, अपना बस चलते वह स्त्री के भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से पर्दा रखता उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, अगर तुमने जिद की तो दवा की तरफ आंखें भी ना उठाऊंगी। छकोड़ी और उसकी माँ ने रोगिणी को बहुत समझाया पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई। छकोड़ी ने 200 रुपये को उठाकर घर कुइयों में फेंक दिया और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोकता जीकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। छकोड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उसके लिए पान लाया। जब पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, वैसक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मोहर तोड़ी, अब की मुझे मुआफी दे दीजिए, फिर ऐसी कथा ना होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रोब के साथ कहा, यो अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना होगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकाट कमेटी में यह मामला पेश होगा। छकोड़ी बहुत ही विनित, बहुत ही सहिष्णुता था,
लेकिन चिंताग्नि में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा कर देती है। तिनक कर बोला, तावान तो मैं नहीं दे सकता, ना ही दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं, अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकाट कमेटी को भगाने की राह ना मिले। जितना ही दबता हूं उतनी ही आप लोग दबाती है। महिला ने सत्याग्रही शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ जरूर पुलिस में रपट करो, मैं तो चाहती हूँ। तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थ में अंधे कैसे हो गए? अपने स्वार्थ के लिए देश का अहित करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। यह कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए, सब के सब चकोड़ी को बड़ा बुला कहने लगे। चकोड़ी को मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अभिवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया, फिर गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और देले की बिक्री नहीं हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल बायकॉट कमेटी ने एक स्वयंसेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उस पर 101 रुपए का दंड दिया है। चकोड़ी जानता था कि कांग्रेस की शक्ति से सामने वह सर्पता असक्त है। उसकी जुबान से जो धमकी निकल गई थी उस पर घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन कीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ है, वह जानता था उसकी देले की बिक्री ना होगी। 101 रुपए देना उसके बूते से बाहर था। दो तीन दिन तो वह चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी घाटे घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज देले में लुटा रहा था, और वो भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए ना। मगर उसकी यह चाल कांग्रेस से छिपी नहीं रही। चौथे ही दिन गोविंदों ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकोड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग न थी, छापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयं सेवक द्वार पर छापा करने लगे। चकोड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था, कुछ अकल काम ना करती थी। इस विपत्ति को कैसे टाले? रोगिण स्त्री साहिबान में लेटी हुई थी, वृद्धा माता उसके सिराने बैठी पंखा झूल रही थी, और बच्चे बाहर शापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सब से पूछते नहीं, खाए क्या? चकोड़ी बोला, किससे पूछूं, जब कोई सुने तब ना। जाकर कांग्रेस वालों से कहो, हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दे, हम अभी कपड़े को जला देंगे। ज्यादा नहीं, 25 रुपए ही महीना दे दे। बहा भी कोई नहीं सुनेगा। तुम जाओ भी या यही से कानून बगाड़ने लगे? क्या जाऊं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। या तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है, तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे। तुम्हारे कहने से कहो चला जाऊं, मगर बाहर ठटोली के सिवा और कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ, जब कोई नहीं सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकाल लेंगे। चकोड़ी ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बायकॉट कमेटी ने 101 रुपए का तावन लगाया है? जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं है, आपसे सत्य कहता हूँ। मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वो सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी, घर पर कुछ माल बेचने लगा, बाहर स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाए तो मार डालिए, मुझे कुछ नहीं कहना है।
छकोड़ी जो बात कहने घर ले चला था वह उसके मुंह से निकली। उसने देख लिया यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो इसी तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो, मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकोड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो ये कहिए कि आप सेवा नहीं कर रहे, गरीबों का खून चूस रहे हैं, पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं, नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, वो भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपये महीना दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा अपनी गरीबी पर क्या प्रमाण दूँ? अगर मेरा काम संतोष के लायक ना हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ तो इसलिए मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। व्यापारी लोग अपना बस चले किसी की चाकरी नहीं करते, जमाना बिगड़ा हुआ है। नहीं, 101 रुपया के लिए इतना हाथ पाँव नहीं जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, ये तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूँ, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूँ। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं हैं कि वह मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे, तुम मोटे ही हो, मुझ पर जरा भी दया ना कीजिएगा। प्रधान ज़्यादा गहराई से बोले, छकोड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे, आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आपका तावान माफ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीसीओ भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल ना कर सकेंगे। आप गरीब है, लेकिन सभी भाई तो गरीब नहीं है, तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे, मैं किस किस के तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वो दिन भी आ जाएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकोड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था, अभी तक उसके द्वार पर छापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था, प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा, उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने मरूंगी, मेरे बदन उसी दफ्तर के सामने भूख से बिकल होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दे। मैं इस मरी हुई दशा में कांग्रेस को तोड़ डालूंगी, जो अभी इतने निर्दयी है वह अधिकार पा जाने पर पता नहीं क्या न्याय करेंगे। एक इसका बुल्ला लो, खाट की जरूरत नहीं है, वही सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी, जनता ही के बल पर तो वह कूद रहे। मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकोड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह की कल्पना ही वह कांप उठा, सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, हजारों आदमी आकर यह दशा देखेंगे, संभव है कोई हंगामा हो ही जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकोड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे, मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा, अब रात हो गई है, शावा बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी, अभी तो तुमने फतह भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, कहते हैं अगर आपके साथ रियायत कर दे तो फिर कोई शासन ही नहीं रहेगा,
मोटे मोटे आदमी भी मुहरे तोड़ डालेंगे। जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पीस कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकोड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में परिणत हो गई। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन कितने सत्य थे यह उसे छिपा ना रहा। उसने छकोड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात ना कही थी। छकोड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद नहीं थी। प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यों ही मिटे हुए हैं। रुपए कहाँ से आएंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना नहीं, दंड कहाँ से दे? और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रहन रख दो। और अब बिलायते कपड़े भूल कर मत बेचना, सड़ जाए कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर आफत सिर ले ली। मेरी दवा दारू की चिंता ना करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम ना रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकोड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वह करके रहती है, कोई उज्र नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी तावान। छकोड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल के रखने लगा कि एक महिला दो स्वयंसेवकों के साथ उसकी दुकान को छेकने आ पहुंची। छकोड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखे तुम कैसे एक गिरा कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम बिलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए, औरतें तक घरों से निकल पड़ी है फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम जैसे कायर दे